मित्रों नमस्कार, मैं आचार्य सुमेर शास्त्री, मेरा YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज का विषय मेरा है कि अगर आपकी लड़की को किसी लड़के के चक्कर में अफेयर हो गया है, या कोई भी लड़का आपकी लड़की को भगाकर लव मैरिज कर लिया है, शादी रचा ली है और आपको मालूम भी नहीं है, वाया वो अफेयर में चल के कोर्ट मैरिज कर लिया है और आप उस अपने लड़की के जिंदगी की लाइफ की आपको चिंता है और वो लड़का आपके लड़की के फेवर का नहीं है और आपके लड़की के लायक का नहीं है, सिर्फ प्यार के चक्कर में आके, मोहब्बत के चक्कर में आके दोनों ने मैरिज कर लिया है, तो दोनों को राजी खुशी कैसे छुट्टा करना है और प्रेम पूर्वक कैसे तुम्हारी लड़की तुम्हारे घर आ जाए, वो मैं प्रयोग बताने जा रहा हूँ। इसमें दो प्रयोग होगा, एक प्रयोग तुम्हारी लड़की के नाम का होगा, दूसरा प्रयोग जो लड़का भगा के ले गया उसके नाम का दो प्रयोग होगा। तो मित्रों मेरा वीडियो शुरू से अंत तक देखिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि घर बैठे मैं जो प्रयोग बता रहा हूँ मेरी सेवाओं का लाभ आपको मिल सके और जो मैं प्रयोग बताता हूँ सत्य प्रयोग है, सटीक प्रयोग है, आप अजमा के देख लेना, आप बधाई दोगे पंडित जी, आपने जो वीडियो में प्रयोग बताया है मेरा काम सफल हुआ। तो सबसे पहले आपको अपने लड़की के नाम का ऐसा एक लाल कपड़ा लेना है और कुमकुम से अपने लड़की का नाम लिखना है। नाम लिखने के बाद में एक नींबू लेना है, ये नींबू रख के और अपने लड़की का इसके ऊपर नाम लिखना है। नाम लिखने के बाद में इसमें पांच दाने चावल के यहां रखना है। रखने के बाद में इसको एक ऐसा फोल्ड कर दो, ऐसा फोल्ड कर दो। फोल्ड करने के बाद में और अपने लड़की के नाम की पांच फूंक लगाना है और अपने घर में अपने लड़की का फोटो है तो वो फोटो लेके उस फोटो के ऊपर ये 21 बार घुमाना है। 21 बार घुमा के इसको आप अपने घर के मेन दरवाजा होता है, मेन दरवाजे के बाहर खड्डा खोद के अपने लड़की का सातवां नाम लेके जमीन में ये गाड़ दो और गाड़ के ऊपर मिट्टी रख के अपने इस अंगुली से अपने घर के पानी से लड़की का नाम लिख दो। ये प्रयोग लड़की के लिए प्रयोग है ताकि राजी खुशी प्रेम पूर्वक तुम्हारी लड़की तुम्हारे घर आ जाए। अब हमको लड़के को कैसे छुट्टा करना, लड़के कैसे अपनी लड़की को छुट्टा कर देता है और वो कैसे नफरत करेगा और लड़का सामने से तुम्हारी लड़की को घर तक छोड़ने के लिए आएगा, तो आपको एक ऐसा काला कपड़ा लेना है और इसके ऊपर लड़के का नाम लिखना है। जो लड़का अपनी लड़की को भगा के ले गया है उसका कुमकुम से नाम लिखना है। नाम लिख के बाद में एक ऐसा संसारिक पुतला लेना है और इसके यहां रख के इसके ऊपर भी लड़के का नाम लिखना है कुमकुम से। लड़के का नाम लिखने के बाद में एक लोहे की खिली ये यहां पर रख देना है, इसको इसे फोल्ड कर देना है। फोल्ड करके इसको भी लाल धागे से ऐसे गांठ लगा दो। गांठ लगाने के बाद में अब इसके ऊपर एक मंत्र करना है, लड़के का सातवां नाम लिखे, ओम ह्रीम महाकाली काल देवी शमशानिक शक्तिया। अब आपके लड़के का नाम और लड़के का नाम लेके संबंध विच्छेद कुरु कुरु स्वाहा, यानी दोनों का संबंध टूट जाए, ये ऐसा बोल के इसको आप शमशान में जाके खड्डा खोद के इसको पोतले को लड़के का नाम लेके शमशान में डांटना पड़ेगा, गाड़ना पड़ेगा और गाड़ के इसके ऊपर भी मिट्टी बिछा के अपने घर का पानी ले जाना है और अपने घर के पानी से लड़के का नाम लिख देना है। नाम लिख के आप वापस घर आ जाए, मैं दावे के साथ कहता हूं 2 दिन के अंदर अंदर आपकी लड़की उस लड़के में नफरत होगी, झगड़ा होगा, लड़ेंगे और एक दूसरे कायदे से छोटा हो जाएगा और वो लड़का सामने से आपकी लड़की को घर तक छोड़ने आएगा और कभी भी आपकी लड़की फिर उस लड़के के चक्कर में नहीं पड़ेंगे, आजीवन दोनों को नफरत हो जाएगा और आपकी लड़की आपके वश में हो जाएगी और आपके जाति कास्ट में जो लड़का पसंद करते हो उस लड़के के साथ शादी करने के लिए आपकी लड़की राजी हो जाएगी। मित्रों ये 100% सत्य प्रयोग है, ये प्रयोग अजमा के देख लीजिए, आप बधाई दोगे पंडित जी, रियल में आपने वशीकरण का प्रयोग बताए और मेरी लड़की की जिंदगी बची है और राजी खुशी मेरी लड़की घर आ गई है। धन्यवाद।